आपको बताएं, पिशावर हाई कोर्ट ने फैसल अमीन, उमर अयूब, असद कैसर, जैन कुरैशी और दीगर की एक माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस साहिबजादा सदुल्ला ने कहा, फैसल अमीन को दो मरतबा पहले भी जमानत दी, तीसरी बार जमानत नहीं देंगे। इस पर मजीद बात करेंगे सैफ शरानी से। जी सैफ शरानी, समाप्त का अहवाल बताइएगा। पिशावर हाई कोर्ट में असद कैसर, उमर अयूब, फैसल अमीन, गंडापुर और जैन कुरैशी की राहदारी की जमानत जो कि मंजूर की गई है, दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने की है, जिनमें उनका ये कहना है कि 4 नवंबर की जो है वो 8 नवंबर तक जो राहदारी जमानत है वो दी जाती है। उन्हें अदालत ने बगैर तौर पर जमानत भी दी गई है, तो अदालत ने कहा कि चारों रहनुमाओं को 8 नवंबर तक मुतलक अदालतों में पेश होने का जो कि उन्होंने हुक्म भी दिया है। उनका ये कहना है कि फैसल अमीन को 2 मरतबा पहले भी जमानत दी है, इसके साथ साथ फैसल अमीन को दूसरी बार जमानत नहीं देंगे, तो जस्टिस साहिबजादा ने कहा कि अब मुतलक अदालत में पेश हो जाए वरना फिर जमानत नहीं देंगे। इसके साथ साथ उमर अयूब को भी एक बार जमानत, तो उनको ये कहने की दे चुके, आज के बाद अगली बार नहीं देंगे। अदालत ने 4 रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर करके मुतलक अदालतों में पेशी का हुक्म दे दिया है। जी जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।